एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। उन्हें अपने ज्ञान का बहुत घमंड था, लेकिन वे असल में काफी मूर्ख थे। एक दिन पंडित जी किसी दूसरे गांव में जाने के लिए निकले। रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी थी, इसलिए उन्होंने एक नाविक से कहा, मुझे नदी पार करवा दो। नाविक ने कहा, जी पंडित जी, मैं आपको नदी पार करवा दूंगा। नाव में बैठने के बाद पंडित जी ने नाविक से बात करनी शुरू की। उन्होंने कहा, तुमने वेद पुराण पढ़े हैं? नाविक ने उत्तर दिया, नहीं पंडित जी, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पंडित जी हंसते हुए बोले, अरे तुम्हारा तो आधा जीवन व्यर्थ हो गया। जो व्यक्ति वेद पुराण नहीं पढ़ता उसका जीवन बेकार है। कुछ देर बाद पंडित जी ने फिर पूछा, तुमने गणित और ज्योतिष विद्या पढ़ी है? नाविक ने फिर से उत्तर दिया, नहीं पंडित जी, मैं तो इन सब बातों से अनजान हूँ। इस पर पंडित जी ने कहा, तुम्हारा तो तीन चौथाई जीवन व्यर्थ हो गया। नाविक शांत रहा और नाव चलाता रहा। अचानक मौसम खराब हो गया और नाव डगमगाने लगी। नाविक ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी क्या आपको तैरना आता है? पंडित जी घबरा गए और बोले, नहीं मुझे तैरना नहीं आता। नाविक ने गंभीरता से कहा, तो पंडित जी आपका पूरा जीवन व्यर्थ हो गया, क्योंकि अब नाव डूबने वाली है। ये सुनकर पंडित जी को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। शिक्षा, किसी को छोटा समझकर उसका उपहास नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषता होती है।